हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे असिस्टेंट लोगों पहले टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर छात्रों के लिए एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। न्यू ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट भी आई हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, एक जोन से अपडेट आया है जिसमें 223 प्लस 129 प्लस 97 ALP टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर छात्रों के लिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड न्यू अपडेट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग फ्रेंड्स 30 जून से स्टार्ट होने वाली है और कई डॉक्यूमेंट जो है भेज दिए गए हैं। एक जोन से अपडेट फ्रेंड्स ये आ रहा है कि ALP की वैकेंसी नहीं है, फिर जोनल रेलवे से जो है दिशा निर्देश मांगे गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करता हूं। टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉलर साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला अपडेट जो आया हुआ है वो बेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आया हुआ है। तो मैंने बेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट पर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दो अपडेट देखने को मिलेंगे। पहला अपडेट है JEE वाले कैंडिडेट और ALP वाले कैंडिडेटों के लिए। ALP के कैंडिडेट हैं, CN नंबर 03 यहाँ 01 होना चाहिए 2018। रिमेनिंग ऑफ ALP रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट जबलपुर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो है वो टेक्नीशियन और JEE के छात्रों के लिए, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 CN नंबर 01/2018 एंड JEE CN नंबर 03/2018। रिमेनिंग कैंडिडेट कॉल फॉर अपॉइंटमेंट जबलपुर डिवीजन, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों नोटिस को देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंतजार के बाद फ्रेंड्स WCR द्वारा अपडेट आए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिस ओपन कर लिया है। आवश्यक सूचना, यहाँ पर आप देख सकते हैं RRB भोपाल से CN नंबर 01/2018 द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं JEE CN नंबर 03/2018 के पैनल प्राप्त हुआ, जिसमें शेष बचे उम्मीदवारों को नीचे बताई गई सूची के अनुसार यहाँ पर जो है आपको दस्तावेज डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से WCR की वेबसाइट पर जाएंगे, न्यूज अपडेट पर जाएंगे, न्यूज एंड अनाउंसमेंट पर जाकर वहाँ से जो है दस्तावेज डाउनलोड करके पूर्ण भरकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में भर्ती अनुभाग में संलग्न सूची में दर्शाई गई तिथि के अनुसार उपस्थित हों। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ज्वाइनिंग के लिए कि आपको जो है दी गई डेट के लिए आपको जाना है सभी दस्तावेज लेकर के। कौन कौन छात्रों को कब कब बुलाया गया मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। उसके बाद इंपोर्टेंट में यहाँ पर दिया है नोट करके, फर्स्ट में दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो COVID-19 के अंतर्गत घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन से निवासरत हैं, वे उक्त क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित होने के उपरांत ही कार्यालय में नियुक्ति हेतु उपस्थित हुए एवं उनके निवास एवं कंटेनमेंट जोन में होने की आधारित जो कि जिला अधिकारी द्वारा की गई हो उसके संबंध में कार्यालय में पत्र द्वारा सूचित करें। फ्रेंड्स, यहां बोला गया है कि जैसे कैंडिडेट जो रेड जोन में आते हैं, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट रेड जोन में अगर आप रह रहे हैं तो आप जो है अपनी ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाएगा और आप जो है बोर्ड के पास एक लेटर भेज दीजिएगा, ठीक है। उनको ये इन्फॉर्म कीजिएगा कि यहाँ पर रेड जोन है, तो आप ऐसे में आपको वहाँ से ज्वाइनिंग के लिए रोक दिया जाएगा और आपको आने वाली डेट में आपको ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर बोला गया कि जिन उम्मीदवारों को रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर में उपस्थित होने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध होने में परेशानी हो रही है, पत्र द्वारा सूचित करें। यानी कि जो भी रेड जोन में वगैरह में हैं, ठीक है, वहाँ बस वगैरह नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट रुक जाए और रेलवे बोर्ड को जो है इस चीज़ की इन्फॉर्म कर दें। आगामी आपको जो भी डेट होगी वो आपको दे दी जाएगी ज्वाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ दस्तावेज बताए गए हैं और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि 9:30 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में भर्ती अनुभाग जबलपुर में 9:30 बजे उपस्थित होंगे जिनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है और अपने दस्तावेज सभी डाउनलोड कर सकते हैं WCR की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी 10 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं और फ्रेंड्स आपको अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सभी लेकर जानी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि अगर आप जो है अभी ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं तो रेलवे बोर्ड को इस चीज़ की इन्फॉर्म कीजिएगा। आप 4 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने तक के आप जो है इसका रुकवा सकते हैं ज्वाइनिंग और अपना टाइम ले सकते हैं कि हम 6 महीने बाद ज्वाइनिंग लेंगे। तो इसके लिए आपको रेलवे बोर्ड को कोई मुख्य कारण बताकर कि आपको ज्वाइनिंग रुकवानी होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद ज्वाइनिंग लें तो ऐसे में बोर्ड को जरूर बता दें। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि एक बार समाप्त नियुक्ति प्रस्ताव सामान्यतः पुनः अस्तित्व में नहीं आएगा। यानी कि अगर आप
ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचे तो आपकी ज्वाइनिंग बाद में नहीं ली जाएगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको बनवाना होगा। और फ्रेंड्स ये जो है आप किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो जिसका ग्रेड पे जो है 4200 रुपये हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, अगर उनका 4200 रुपये ग्रेड पे है तो 100 रुपये का नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको पूरा बनवा लेना है, तो उसके 2 फोटो वगैरह ले लेने हैं आपको, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो आप किसी डीएम एसडीएम तहसीलदार से वेरीफाई करवाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बेसिक जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म भी इसमें दिया गया है, सभी या जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें दिए हैं आपको ये बनवा लेने हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि किन किन कैंडिडेटों को कब कब ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा, तो यहाँ पर नीचे इसमें एक लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो देखिएगा लिस्ट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट ये रही। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 3rd भी कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट, टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं जिनको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है। 15 कैंडिडेट यहाँ पर हैं जो कैटेगरी नंबर 14, 61, 88, 117, 137 से बिलोंग करते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है। ज्वाइनिंग के लिए 22/6/2020 को ये पहुँच सकते हैं। 11 कैंडिडेट ये हैं 62/149 के कैरियर बैगन के, इनको भी 23 तारीख में जाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डेट दी है, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं जो जो कैंडिडेटों का इसमें नाम हो वो जाकर अपनी डेट को ज्वाइनिंग ले लें जाकर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि रिमेनिंग आरआरबी कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेटेड 22/6/2020। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट जो है कॉन्टेक्ट किया था रेलवे बोर्ड ने, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो कैंडिडेट है जिसको जो है यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट वगैरह डस्टिन कौन सा मिला है वो यहाँ देखिएगा, बिल रिपोर्ट यानी ज्वाइनिंग के टाइम पे ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनको कांटेक्ट किया गया, तो कौन कौन कैंडिडेटों को जब कांटेक्ट किया गया था रेलवे द्वारा तो क्या उनके पास आंसर आया था वो यहाँ पर बता रहे हैं। इस कैंडिडेट को जब रिपोर्ट किया था तो इन्होंने रेजिग्नेशन नॉट अवेलेबल, ठीक है, जो कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर रेजिग्नेशन इनको जो है नहीं मिल पा रहा है। तीसरा कैंडिडेट ये है, ये किसी फैक्ट्री वगैरह में वर्किंग इन फैक्ट्री नॉट इंटरेस्ट इन रेलवे, ये किसी अच्छी पोस्ट पर किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो ये रेलवे में इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने के लिए। उसके बाद अगले कैंडिडेट हैं अंकित साहू, ये जो है इनको 16, 17, 18, 19 को इनको जो है कॉल किया गया था लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। उसके बाद अगला कैंडिडेट ये है, ये राजस्थान से रेड जोन में है इसलिए ज्वाइनिंग नहीं अभी ले रहे हैं। उसके बाद अगला कैंडिडेट है, इनका स्विच ऑफ जा रहा था फोन, दिल्ली में ये है इनका फोन रेड जोन में है, रिपोर्ट करेंगे ये बता रहे हैं यहाँ पर। और कॉल नॉट रिसीव, इन्होंने जो है कॉल रिसीव नहीं की थी अपनी। और वर्किंग एज टेक्नीशियन, ठीक है, ये जो है नॉट इंटरेस्ट है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दी गई है कि किन किन कैंडिडेटों को कॉल किया था, कौन कौन जो है नहीं चाहता है नौकरी करना, क्या कारण बताया है, किसका फोन स्विच ऑफ था, कौन रेड जोन में है, कौन कहाँ है, तो इस तरह से ये बता रहे हैं। और इनका मोबाइल नॉट सर्विस यहाँ पर बता रहा है, ई पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये DRDO में जो है जॉब कर रहे हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन इनको जो है अभी ज्वाइनिंग के लिए नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डेट बताई गई है, क्या क्या इनको रिस्पांस मिला है बोर्ड के पास, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है लिस्ट के लिए, आप देख सकते हैं खुद भी पूरी डिटेल यहाँ दी गई है, लिस्ट पूरी 38 पेजों की, ठीक है। और जितने भी छात्र ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हों ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्टेशन वगैरह फॉर्म जो कुछ भी है सभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस तरह से भरने हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके वीडियो को देख लें, उसमें पूरा मैंने बता दिया है। चलिए अब ALP की बात करते हैं, जो ALP का नोटिस आया था तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने नोटिस ओपन कर लिया है। ALP का आवश्यक सूचना आरआरबी भोपाल से CN 01/2018 के सहायक लोको पायलट पद पर पैनल क्रम 500 से 723 तक के प्राप्त सहायक लोको पायलट उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जबलपुर मंडल में रिक्तियां ना होने के कारण मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगे गए हैं, दिशा निर्देश प्राप्त होते ही आपको सूचित करेंगे। देखिए फ्रेंड जिन छात्रों को भोपाल जोन से जबलपुर डिवीजन अलॉट किया गया था 500 से 723 क्रमांक तक के ALP के कैंडिडेट, वहां पर जो है जबलपुर मंडल में वैकेंसी अभी खाली नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्यालय से जोनल रेलवे से इन्होंने जो है दिशा निर्देश मांगे हैं कि अब इन कैंडिडेटों का क्या किया जाना चाहिए। तो जैसे इसका आंसर आता है जोनल रेलवे की तरफ से तो आपको ये सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप।